अस्सलाम वालेकुम। मैंगो का सीजन तो खत्म होने वाला है, लेकिन घर पर हम बनाएंगे मजेदार मैंगो जैम जो कि एक साल तक बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, वो भी बिना आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स डाले। वीडियो आखिर तक देखिए, बहुत सारे टिप्स शेयर कर रही हूँ इसे स्टोर करने के लिए, और ना ही आर्टिफिशियल कलर्स हैं इसमें। जैम हमारा कितना जबरदस्त बना है, इसके ऊपर मैं स्प्रेड करके आपको दिखा देती हूँ। देखिए, लग रहा है ना बहुत ही ज्यादा यमी। आपके बच्चों को आप ये टिफिन में भी रख के दे सकते हैं। बिल्कुल नेचुरल जैम है, होममेड, बिना किसी आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स के। देखिए कितना मजे का लग रहा है। मैंगो जैम बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 2 कटे हुए आम। सबसे पहले आम के ऊपर का छिलका निकाल दें और इसे देखिए इस तरह से पीसेस में कट करके रेडी रख लें। इस तरह से पीसेस कट करने के बाद हम इसे मिक्सर के जार में डाल के पीस लेते हैं, यानी मैंगो पल्प तैयार करके रख लेते हैं। यहाँ पे आम है 500 ग्राम, यानी छिलका निकालने के बाद और उसकी जो बीन्स है वो निकालने के बाद इसका मेजर है 500 ग्राम। मैंगो पल्प हमारा तैयार है, देखिए कितना सॉफ्ट है ये। आम में धागे यानी स्ट्रिंग्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, उस तरह के आम सूटेबल नहीं होंगे जैम बनाने के लिए। एक कड़ाही में हम ये मैंगो पल्प डाल देते हैं। मैंगो पल्प डालने के बाद हम इसमें शक्कर यानी चीनी डाल देते हैं। यहां मैं 300 ग्राम शक्कर डाल रही हूं, इतनी शक्कर जरूरी है जैम में। शक्कर एक प्रिजर्वेटिव की तरह भी काम करती है। चलिए इसे मिक्स कर लेते हैं, इससे जैम हमारा खराब नहीं होगा। इसे ऐसे ही मिक्स करते रहिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे। ऐसे ही मिक्स करते हुए मुझे 10 मिनट हो चुके हैं। नेक्स्ट हम इसमें लेमन जूस यानी नींबू का जूस डाल देते हैं 1 टेबलस्पून। इसे डालने से जैम का टेस्ट अच्छा हो जाएगा और ये प्रिजर्वेटिव की तरह भी काम करता है। प्रिजर्वेटिव यानी जैम खराब नहीं होगा इसे डालने से। जैम बनाना बहुत इजी है, लेकिन थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा और थोड़ी मेहनत। इसे इस तरह से ही हिलाते रहिए, ख्याल रखिए कि नीचे से ना पकड़े। इसे ऐसे ही पकाते रहिए जब तक इसमें जैम की कंसिस्टेंसी ना आ जाए, इसे हम पकाते रहेंगे। जैम तो हमारा रेडी है, फ्लेम बंद कर देते हैं और साइड्स में जो लगा हुआ है उसे अच्छे से देखिए इस तरह से नीचे के साइड कर लें। इसकी कंसिस्टेंसी देख लें। अब जैम रेडी है कैसे मालूम करें, इसका जो ट्रिक है मैं आपको दिखाती हूँ। थोड़ा सा जैम ले लें, जैम को एक प्लेट में निकाल लें। निकालने के बाद देखिए इस तरह से बेंड करके देखिए प्लेट को, ये नीचे के साइड नहीं आ रहा है, इसी को स्टिक होके रह गया है। इसका मतलब जैम तैयार है। अगर जैम सही से नहीं बना होगा, यानी इसकी कंसिस्टेंसी अगर सही नहीं होगी, तो ये नीचे के साइड आ जाएगा। देखिए परफेक्टली रेडी है हमारा जैम। एक स्टरलाइज किया हुआ कंटेनर ले लें और गर्मा गर्म जैम जैसे ही बन जाएगा इसमें डाल के आप स्टोर करके रख दें, यानी इसके ऊपर अच्छे से लिड बंद करके रख दें, तो 1 साल तक जैम खराब नहीं होगा। इसमें गर्म जैम डालिए, लेकिन जैम को इसी कंटेनर में ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद ही लिड बंद करके स्टोर करें। देखिए इस तरह से डाल के इसके ऊपर हम लिड बंद करके रख देते हैं। बहुत ही यमी और जबरदस्त जैम हमारा तैयार है। किड्स का तो ये बहुत ही ज्यादा फेवरेट है। अगर आपको मेरी आज की मजेदार होममेड मैंगो जैम की रेसिपी पसंद आई, मेरे चैनल कुक विद फेम को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।